कलकल जी जो इस समय सर्वोच्च न्यायालय के चार जजों ने एक पूरा आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने बोला है कि लोकतंत्र खतरे में है। जी बिल्कुल, लोकतंत्र खतरे में है उन्होंने जो बोला है। हालांकि ये बात बहुत पहले उठनी चाहिए थी और एक जज महोदय ने पहले भी उठाई थी, आपको मालूम होगा कि जस्टिस सी एस कर्णन जी ने वो बात उठाई थी, मगर आप देखते हैं कि उनके साथ में क्या किया इन्हीं ये जज, उनमें भी उस समय पे भी थे, मगर जब आज इनके ऊपर वो बात पड़ी है तब इन्होंने ये बात बोली है, मगर उस समय पे उसको बाहर करने के लिए सब इकट्ठे हो गए थे। और लोकतंत्र वाकई में खतरे में है, क्योंकि हुआ क्या है ये आपको देखने की और सोचने की बात है। अभी आपने देखा होगा कि 2-3 महीने पहले जस्टिस लोया की हत्या हुई थी, लोग उसको मान रहे होंगे कि वो एक नेचुरल डेथ है, वो नेचुरल डेथ नहीं है, वो हत्या है, राजनीति से प्रेरित, वो राजनीति से प्रेरित हत्या है, क्योंकि जस्टिस लोया जो है जय शाह का केस देख रहे थे जो कि अमित शाह का बेटा है, उस केस से अलग होने के लिए जस्टिस लोया पर तरह तरह के प्रेशर बनाए गए, और जब उसने उस केस को अलग करने से मना कर दिया तो उसको उठा करके ले गए, बहका करके ले गए कि भाई चलो हम दावत में चल रहे हैं, और दावत में वहाँ पे ले जा करके उसके साथ में क्या किया ये तो मैं भी नहीं जानता, उसकी हत्या कर दी गई। उसका पूरा परिवार चीख चीख करके कह रहा है कि भाई अगर हत्या की गई है तो उसका पोस्टमार्टम, अगर उसकी हत्या हुई मृत्यु हुई है तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और जल्दी से उसका क्रीमेशन कर दिया गया, जो कि इस तरफ इंडिकेट करता है, इस तरफ इंडिकेट करता है कि ये हत्या का मामला है, ये नेचुरल डेथ नहीं है। और इसी बात से संबंधित, क्योंकि इस समय पे जुडिशरी कभी भी अपना कोई भी फैसला मतलब न्यायपूर्ण नहीं देती है और वो हमेशा किसी ना किसी के प्रेशर में से प्रभावित होता है और प्रेशर में ही अपना फैसला देती है। मतलब आपका मानना है कि न्यायपालिका भी बिकी हुई है, इबादत गहा है, बिकी हुई है और वो हमेशा उन लोगों के हित में फैसला देती है जो उसको खरीदने की ताकत रखते हैं। मैं तो एक बात मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, न्यायपालिका नहीं है, ये अमीर घरानों के घर की लौंडी बन गई है, अमीर घरानों की लौंडी बन गई है, लौंडी बन गई, लौंडी से तात्पर्य आप समझते हैं कि पहले समय में आप जो अगर आपको मालूम होगा कि लौंडी का शब्द क्या होता था, क्या मतलब होता था लौंडी का, लौंडी वो मतलब जो उनके घरों में दास दासियां होती थी, उनका मन बहलाया करती थी, वो लौंडी कहलाती थी औरतें, वो बन गई। तो सर ये क्या माना जाएगा, एक तरफ कहते हैं कि भाई जजों को ऐसे बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, और जब आज बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो एक अंदरूनी मामला था, जब अंदर बैठ के सुलझा लिया होता, अगर ये अंदर का मामला था, अंदर सुलझाया गया होता तो सुलझ जाता, अंदर नहीं सुलझ पाया, उन्होंने अंदर बहुत बात करके देखी, जब अंदर नहीं सुलझ पाया तब ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। और देश में अब एक दूसरी बात और भी है कि देश में अव्यवस्था का माहौल पैदा किया जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जब से ये सरकार आई है सतत एक प्रक्रिया चल रही है कि एक बात ख़त्म तो दूसरी चालू, जब दूसरी बात ख़त्म तो तीसरी चालू, और तीसरी बात ख़त्म तो चौथी बात चालू, ये इस तरह के मुद्दों में लोगों को भटका करके रखना चाहते हैं ताकि मेन मुद्दे से लोग विकास की बात ना करें, रोजगार की बात ना करें और अपने हक और अधिकार की बात ना करें, किसानों के साथ में क्या हो रहा है उसके बारे में कोई बात ना करें, बस इन्हीं मुद्दों में सरकार जो है लोगों को भटका करके रखना चाहती है। इस तरीके से ये मुद्दे जानबूझ करके क्रिएट किए जा रहे हैं समाज के सामने, पूरे देश के सामने अव्यवस्था का माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि इन्हीं मुद्दों में लोग लगे रहें और इनकी दोबारा से सत्ता आ जाए, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत इस कार्य को कराया जा रहा है। सर एक बहुजन समाज जो एक गरीब लोग हैं वो न्याय पर ही भरोसा करते थे और आज पर तो न्याय के ही प्रश्न पे उड़ गए हैं कि आज वो लोग किसको भरोसा करें। देखिए आप परसों की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं कि बहुजन को तो कभी भी न्याय मिला ही नहीं है इस देश के अंदर, शुरू से ही नहीं मिलता न्याय, उसके लिए न्याय नहीं है बहुजन समाज के लिए, कभी भी इस देश की न्यायपालिका इस देश के बहुजन को न्याय देने के लिए कभी भी आगे नहीं आई, ना उसने अपना जिगरा बड़ा किया, ना अपना उसने हृदय बड़ा करके कभी भी इस देश के मूल निवासियों को या बहुजन के लिए न्याय की प्रक्रिया को पूरा किया है।